हाय किड्स। हाय सर। आपके पास देखो एक पजल है। इस पजल में कुछ दिया हुआ है और आपको कुछ इसमें से ये जो फिगर्स हैं इनमें से ये बनाना है कि ये जो फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है इस फिगर को अगर हम फोल्ड करें, फोल्ड करने के लिए तो आपको पहले कट करना पड़ेगा। yes, कट करके ही फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे इसमें तो फोल्ड कर नहीं सकते। तो आप कट करोगे और उसके बाद इसको फोल्ड करके देखोगे कि इन 1 2 3 4 5 ड्राइंग्स में से कौन सी ड्राइंग बिल्कुल क्या है सही है। एक से ज़्यादा ड्राइंग्स भी सही हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो तो जैसे आप करोगे उसके लिए हमने पहले से यहाँ पर एक पेपर क्या कर लिया है, ऐसे कट कर लिया है। क्लियर है? अब देखो जब हमने पेपर कट किया तो उस पेपर को हमको क्या करना है, फोल्ड करना है एक क्यूब की फॉर्म में। ऐसे ही होगा, ये हो गया, इधर से बंद और नीचे से भी बंद। क्लियर है? यस सर। तो इससे क्या बन जाएगा, एक क्यूब। क्यूब बन गया, क्यूब। यस सर। अब देखो सबसे पहले हमको ये वाला फिगर देखना है। अब देखो इस साइड में क्या है, ऊपर 2 है और सामने क्या है 3। ये देखो ठीक हो गया। यस सर, इस साइड में हो गया 2, 3 और 1। बिल्कुल सही हो गया। यस सर। अब देखो ये चेक करना है हमको, टॉप में क्या है 1 और कॉर्नर में है 2 एंड 3। अब देखो देखो हो गया 1 टॉप में। यस सर। इधर हो गया 2 और इधर क्या आ रहा है 3 4। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत। क्लियर है? यस सर। अब ये वाला लेते हैं, सब स्टॉप में क्या है 6, बगल में 2 और इधर क्या है, इधर क्या आ रहा है 3। इसका मतलब ये भी गलत गलत। ठीक है। यस सर। अब ये वाला चेक करना है, टॉप में क्या है 4, फ्रंट में 1 और कॉर्नर में 5। इसका मतलब ये क्या है सही। डी भी क्या है सही। ठीक है, ये वाला हमारे पास सही आ गया और ये वाला सही आ गया। अब है ई। अब ई वाला चेक कर लेते हैं, टॉप में क्या है 6 और इसके सामने है 3, 6 के सामने 3 और कॉर्नर में 2। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब ए, डी और ई क्या है इसमें से सही। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर।